हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड सर्व। तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक क्वेश्चन फॉर एवरीवन, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि मैगी किस किस को पसंद है, किस किस की फेवरेट है। भाई मुझे तो मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप लोग को भी पसंद है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यू लाइक मैगी। एंड गाइस पता है कि आप लोग ने रोल तो ज़रूर ट्राई किया होगा, चाहे वो जिस टाइप का भी रोल हो, एग रोल हो, वेज रोल हो एंड पनीर रोल हो, आलू रोल हो, जिस टाइप का भी रोल हो। तो व्हाट आई डिड इज़ मैंने मैगी जो हम सबकी फेवरेट होती है और रोल, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक नई रेसिपी बनाई है और मैंने उसे नाम दिया है मैगी रोल। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए, अगर आपको लगता है कि इस रेसिपी को कुछ और नाम भी दे सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इसे क्या नाम दे सकते हैं। एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दैट मैंने अपने प्लेलिस्ट की लिंक और बाकी वीडियोज़ की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी है, तो मेक श्योर यू चेक दम आउट एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन। एंड लेट्स ऑल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। तो यहाँ मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया है, यानी कि रिफाइंड फ्लोर या ऑल पर्पज़ फ्लोर जिसे हम बोलते हैं, और मैंने यहाँ पे सिर्फ एज पर टेस्ट सॉल्ट ऐड किया और थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है। मुझे बहुत कम क्वांटिटी में बनाना है, 3 रोल मैंने इसमें से बनाए हैं तो इसलिए मैंने एक कटोरी लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है आटे में जब तक वो एक शेप फॉर्म ना कर ले। देखिए इस तरीके से वो शेप होल्ड करना चाहिए और जब ये आटा ऐसे अच्छे से हो जाए उसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसका एक डो बनाना है अच्छा सॉफ्ट सा। देखिए हमारा अच्छा सा डो बन चुका है, सॉफ्ट सा डो। अब इसके ऊपर में हमें हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है और उसके बाद उससे हमें कवर करके रख देना है फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। और अगर इतना भी टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तब तक हम बनाते हैं अपनी मैगी। मैगी हमें बनानी है प्लेन, बिल्कुल 2 मिनट वाली मैगी बनानी है। उसके लिए हमें सबसे पहले वाटर बॉइल करना है और इसमें हम मैगी डाल देना है। यहाँ पर मैंने मैगी का एक पैकेट ही लिया है, एक पीस लिया है, और उसमें बस मैं अच्छे से उसे बॉईल होने दूंगी और उसके बाद मैं इसमें मैगी का जो नॉर्मल हमारा टेस्ट मेकर होता है मैगी मसाला वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये टेस्ट मेकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब इसे अच्छा मिक्स कर देंगे। हमें मैगी बहुत ही ड्राई बनानी है, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, ऐसी हमें मैगी बनानी है। और हमें इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा, हमें सिर्फ मैगी मसाला और मैगी ऐड करनी है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ऐसे सूखी मैगी हमें बिल्कुल बनानी है। मुंह में पानी आ गया ना, बट आपको ये खाना नहीं है क्योंकि हमें इसे आगे यूज़ करना है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे हमें ट्रांसफ़र करना है प्लेट में। तो मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया और इसे हमें स्प्रेड करके रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए जल्दी से। और उसके बाद हमें लेना है एक छोटा सा बाउल और उसमें मैंने एक चम्मच यहाँ पर मैदा ऐड किया है और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाऊंगी और हमें उसकी एक स्लरी बनानी है इस तरीके से। देखिए आप पानी ऐड करके इस तरीके से हमें उसकी स्लरी बनानी है। इसे हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने डो की तरफ। देखिए हमारा डो अच्छे से सेट हो चुका है। इसके बाद हमें ये डो को पार्टीशन कर लेना है। और तो देखिए मैंने इसमें 3 पार्टीशन कर लिए इसके, और उसके बाद हमें इनके बॉल्स बना लेने हैं। उसके बाद हमें इनकी रोटी कह लीजिए या पूरी कह लीजिए हमें बनानी है, छोटे छोटे साइज़ की, मीडियम साइज़ की एक्चुअली, नॉट बहुत ही छोटा नहीं बहुत ही बड़ा नहीं। इस तरीके से हमें मीडियम थिकनेस की इसकी रोटी बेल लेनी है। और डोंट वरी, एकदम परफेक्ट गोल रोटी नहीं बनानी है हमें, चलेगा। अगर बन रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो भी इट्स ओके। तो देखिए मीडियम थिकनेस का मैंने बना लिया है। उसके बाद हमें इन रोटी ले लिया मैंने, उस रोटी में हमें सेंटर में रखना है मैगी, जो हमने मैगी बना के रखी थी सूखी, सूख गई है देखिए अच्छे से। तो ये मैगी हमें ऐसे सेंटर में रखनी है और इसका सारे एंड्स में और या फिर सारे कॉर्नर में हमने जो स्लरी बना के रखी थी मैदे की, मैदे और पानी को मिक्स करके उसे हमें ऐसे कॉर्नर पे लगा के इसे हमें अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ से कॉर्नर से हमें प्रेस कर लेना है जैसे बिल्कुल दिखाया जा रहा है वैसे, और हमें इसके एंड्स भी कवर कर लेना है। देखिए इस तरीके से, और ये बन गया हमारा रोल इस तरीके से। और फिर हमें क्या करना है, ऐसे करके हमें थोड़ा प्रेस कर लेना है। बस उसी तरीके से मैंने सेकंड रोल भी बना लिया है। कॉर्नर में हमें ऐसे स्लरी लगा देनी है और उसके बाद ऐसे अच्छे से हमें इसे कवर कर लेना है, देन एंड से हमें प्रेस करके ऐसे
इस टाइप से बनाना है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त बन गया हमारा। इसी तरीके से मैंने तीनों रोल बना लिए है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे मैंने प्लेट में थोड़ी सी सूजी ली हुई है, नॉर्मल सूजी हम जो यूज़ करते हैं उपमा वगैरह बनाने, रवा वो लिया है। अब हमें क्या करना है, हमारे रोल को हमें लेना है और हमें इसे डिप करना है स्लरी में, जो हमने मैदे की स्लरी बनाई थी उसमें, और उसके बाद हमें इसे कवर करना है सूजी से, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए तो इस तरीके से बिल्कुल आपको चारों साइड से अच्छे से इसमें सूजी, देखिए इस तरीके से। सेकेंड को भी हम क्या करेंगे, अच्छे से स्लरी में डीप करेंगे एंड देन हम कवर करेंगे सूजी से। देखिए बिल्कुल इस तरीके से कोट हो जानी चाहिए अच्छे से चारों तरफ से। तो ये सारे मैंने कोट करके रख दिए हैं सूजी में। उसके बाद हमें क्या करना है कि ऑयल हीट करना है। ऑयल को पहले आपको हाई फ्लेम में हीट करना है, देन हमें उसे मीडियम फ्लेम में पकाना है। तो देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है रोल्स, और ये रोल्स को हमें फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और ज़रूर मुझे बताइए कि कैसा लगा आप लोग को, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत यूनिक सी थी। मैंने भी पहली बार खाई है, आई डोंट नो अगर किसी ने ये बनाई होगी और ट्राई की होगी तो, बट ये बहुत ही यम्मी थी। तो मुझे बताइए आप लोग कि आप लोग को कैसे लगी, और आप दूसरों से भी शेयर करिए ये। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है, और हम इसे भी निकाल लेते हैं टिशू में और आइए जल्दी से सर्व करते हैं। तो ये रेडी है हमारी रोल, मैगी रोल, एंड देखिए कितनी क्रिस्पी लग रही है, बहुत ही कलर भी बहुत प्यारा आया है, और खाने में तो आप बना के देखेंगे तब आपको पता चलेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। देखिए बहुत ही कुरकुरी और अंदर से मस्त मैगी निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा यमी है ये लुक, देखने में ही कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। एंड डीप इट विथ केचप एंड यू आर गुड टू गो। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे फिट, बाय बाय।